हेलो गाइस, तो अभी हम जा रहे हैं मार्केट। मुझे मार्केट से लेना था कुछ सामान भी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं इसे लेके दूंगी, और अभी मैं जा रही हूँ मार्केट। तो चलिए आप भी हमारे साथ। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता दूँ, मेरा नाम लीना है और मैं इस चैनल पर अपनी डेली रूटीन, अपनी लाइफ स्टाइल, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ। मैं ये लेके जा रही हूँ, अगर ये मुझे लगा कि अच्छा लग रहा है, तो मैंने कभी इस तरह का पहना नहीं है, ठीक है। अदरवाइज आप मुझे स्ट्रेट वाला मंगा देना, सेम ऐसा ही चाहिए होगा। ये देख लो, यहाँ चल रही है लेग लेग लड़ाई, इसको बोलते हैं लेग लड़ाई। ये यहाँ पे लेग लड़ाई चलती रहती है। तो अभी लग गई थी बहुत भूख, क्योंकि मार्केट से आने के बाद कुछ खाया नहीं था हमने, तो मैं बनाने लगी थी यहाँ पे कढ़ी पकौड़ा और राइस। और जो ये कढ़ी पकौड़ा मैंने बनाया है, बड़ा ही इंस्टेंट वे में बनाया है, और जो ये लस्सी के पैकेट, छाछ के पैकेट मिलते हैं ना, उससे बनाया है। दो पैकेट मैंने छाछ मंगा लिया था, और इसके अंदर मैंने बेसन, हल्दी और जो लाल मिर्च है वो मिला लिया था अच्छे से। बेसन मैं एक करछी नाप के मिलाती हूँ ताकि बहुत गाढ़ी ना बने। और इसमें मैं डालती हूँ कुछ खड़े मसाले, जिसमें कि है मेथी दाना, जीरा पाउडर, कड़ी पत्ता, सूखी लाल मिर्च, और ये थोड़े से धनिया का बीज जो होते हैं ना, इसको मैं तोड़ के डालती हूँ, क्योंकि साबुत धनिया के बीज हमें पसंद नहीं आते हैं, लेकिन अच्छे लगते हैं। अगर आप लोगों को साबुत धनिया के बीज पसंद है ना, तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से बीज कूट लिए थे। उसके बाद यहाँ पे मैं रख दूँगी कढ़ाई पकोड़े बनाने के लिए। मैं यहाँ पे छोटी छोटी पकौड़ियाँ बनाने वाली हूँ, बड़े पकौड़े नहीं बनाने वाली, क्योंकि छोटी छोटी पकौड़ियों का जो टेस्ट है ना, बड़ा अच्छा सा लगता है कढ़ी में, देखने में भी अच्छी सी लगती हैं। तो यहाँ पे जो है मेरे पकौड़े अच्छे से फ्राई हो गए थे। सेम कढ़ाई में मैंने जो है खड़े मसाले डाल दिए थे, मैंने और तेल का इस्तेमाल नहीं किया। और ये करी पत्ता जो है ना, इस तरीके से मैं डाल रही हूँ, क्योंकि बड़े ही छींटे उड़ते हैं अगर ऐसे डायरेक्ट डाल दिया जाए तो। उसके बाद जो ये है कढ़ी जो मैंने रेडी करके रखी थी लस्सी, वो मैंने ऐड कर दी थी कढ़ाई के अंदर। मैंने इसमें नमक नहीं डाला है, क्योंकि नमक डालने से फटने का डर होता है, छाछ फट सकता है, इसीलिए मैंने इसमें नहीं डाला है नमक अभी। और यहाँ जो पकोड़े हैं, मैं अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाने के लिए लेके जाऊँगी। पहले दो चार पकोड़े मैंने निकाल लिए थे, क्योंकि बहुत टेस्टी लगते हैं ये वाले पकौड़ियाँ ना, तो उनको भोग लगाने के बाद मैं आ जाऊँगी वापस अपने किचन में। और यहाँ पे जो है मैं राइस की तैयारी भी साथ के साथ ही कर लूँगी, क्योंकि इतने में कढ़ी रेडी हो जाएगी एक साइड, और एक साइड राइस बन जाएंगे। सच बताऊँ तो बहुत तेज़ भूख लग गई थी ना, क्योंकि मार्केट से आने के बाद हमने बाहर कुछ खाया भी नहीं था, इसलिए भूख लग गई थी बहुत ज़ोर से। तो बस ये था कि कुछ भी जल्दी जल्दी में बना लेते हैं। तो यहाँ पे जो है कढ़ी भी मेरी साथ के साथ रेडी हो जाएगी, और यहाँ साथ के साथ जो है मैं किचन को भी क्लीन कर दूँगी। उसके बाद यहाँ पे एक ट्विस्ट देने वाली हूँ, बड़ा ही चटपटा कर देता है ये कढ़ी को ना। सिर्फ इसमें जो है मैंने कश्मीरी लाल मिर्च और जो चाट मसाला होता है ना, वो ऐड किया है। आप इसमें हींग जीरा भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने अभी नहीं किया था ऐड। बहुत ही अच्छा टेस्ट और कलर ऐड हो जाता है, एक बार ट्राई करना ऐसा ऊपर से तड़का। अगर देसी घी का तड़का पसंद है तो देसी घी का लगाइएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बट मेरे घर में देसी घी खाते नहीं है ना, तो इसलिए मैंने नहीं लगाया। तो यहाँ पे मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, उसे अवॉइड करना, बीच बीच में मेरी आवाज़ अजीब सी हो जा रही है। तो यहाँ पे मैं कर लूँगी प्लेटिंग, बहुत ही अच्छी टेम्पटिंग सी ये लगती है देखने में ना, मतलब अट्रैक्टिव सी कह सकते हो आप कि लगती है। इस तरीके से बीच में एक कटोरी रख के ऊपर राइस इस तरह से फिल करके ना, एक बाउल में, तो जो ये प्लेटिंग है ना, बड़ी ही देखने में अट्रैक्टिव लगती है, मतलब आपका देख के मन करेगा कि खाएं, ऐसे वाली लगती है। बस उसे मैंने उल्टा कर लिया था उसके अंदर, और यहाँ पर लगा लेंगे थाली। बस अभी यहाँ तैयारी चल रही थी लड्डू गोपाल जी के सिंहासन बनाने की। ये जो मैंने बेड बनाया है ना, इनका बेड कम सोफ़ा आप बोल सकते हो, बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल ये बन के रेडी हुआ है, और नो कॉस्ट
मतलब इसमें मेरा कोई भी खर्चा नहीं हुआ है, ये लगा लीजिए, ये कर्टन का मेरे पास पड़ा हुआ था और ये लेसेस पड़ी हुई थी और ये जो फॉर्म है ना ये भी रखा था, सब चीज़ मेरे पास होते हुए मैंने ये बना डाला, बहुत ही प्यारा लगा। मेरे लड्डू जी का बेड तो हो चुका है रेडी और ये एकदम ज़ीरो कॉस्ट है, मैंने इसमें कोई भी एक्सपेंस मेरा नहीं लगा है, ये सब मेरा रीयूज़ है, मैंने इसमें कोई भी पैसे नहीं खर्च किए हैं। ये जो मैंने बनाया है ना बेड, मैं सीरियसली बता रही हूँ, आप एक मिनट आप देखिए और मुझे बताइए, इसका जो ये मैंने बैक बनाया है कितना प्यारा लग रहा है ना, सीरियसली। अभी जब मेरे लड्डू जी बैठेंगे तो और ज़्यादा इसकी शोभा बढ़ जाएगी। ये जो आप देख रहे हैं कपड़ा, ये फॉर्म मैं लेके आई थी, जो ये सोफे की शॉप पे कटिंग मिल जाती है ना, तो ये वहां से मुझे मिल गई थी और नो कॉस्ट। और जो ये इसके ऊपर मैंने फैब्रिक पेस्ट किया है फॉर्म के ऊपर वाइट कलर का, ये मेरा कर्टन मैंने एक बार ऑनलाइन मंगाया था जो कि डिफेक्टिव, बहुत दिन रखा रहा, दिवाली की बात है, और उसके बाद जब मैंने ओपन किया तो वो डिफेक्टिव निकला और जो रिटर्न पीरियड था उसका 7 डेज का था, तो 7 डेज से ऊपर हो चुका था जब मैंने उसे ओपन किया, तो मेरे लिए ये वेस्ट हो चुका था। और ये डिफेक्टिव इतना ज़्यादा था कि अगर मैं इसको हैंग कर रही थी तो ये एक साइड से पूरा ऊंचा उठ रहा था, मतलब पूरे में झोल था, ठीक है, तो मैंने उसको रख दिया, मैंने कहा क्या कर सकती हूँ, बट मुझे नहीं पता था वो इस तरीके से यूज़ हो जाएगा। और बिलीव मी, इतना पता नहीं ये फ़ोन, ये कैमरा इसको जस्टिफाई कर रहा है इसकी ब्यूटी को या नहीं, बट ये सीरियसली बता रही हूँ, इतना प्यारा लग रहा है ना। और जो ये इस पर लेस लगाई है ना, ये भी मेरी वेस्ट रखी हुई थी। यहाँ पे हो रहा था लड्डू गोपाल जी का सिंहासन तैयार, क्योंकि अभी तीज आने वाली है, हरियाली तीज, और मैं बहुत अच्छे से हरियाली तीज को सेलिब्रेट करती हूँ, और इनका झूला रखने के लिए भी जगह चाहिए ना, इसलिए मैंने अच्छे से ये पूरा ग्रीन ग्रीन सब बना दिया है। अभी इनकी ड्रेस की बारी है, इनकी ड्रेस भी बनानी बाकी है, क्योंकि वो भी ग्रीन कलर की ही बनेगी, हरियाली तीज है तो सब कुछ हरा हरा ही होगा। और देखिए रेडी हो गया था इनका सिंहासन और बहुत ही ब्यूटीफुल बना, उम्मीद से ज़्यादा अच्छा बना, इतनी तो सुंदर की मैंने उम्मीद भी नहीं की थी जितना ये सुंदर बन गया। विश्वास कीजिए, बस नज़रें इन्हीं पे टिकी हुई थी पूरा दिन, बस जब भी नज़रें जा रही थी तो इन पे ही जा रही थी, इतने प्यारे लग रहे थे। अगर आपको मेरी मेहनत थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो ना तो एक लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को और शेयर करना वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।